من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حقیقت ولایت کے عنوان پر آپ دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور میرے لیے ایک دشواری یہ ہے کہ میں اسی سلسلے فکر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں جس کو میں تمہید سے موسوم کر چکا تھا کہ یہ تمہید ہے, یعنی اس کے معنی یہ کہ دوسری تقریر بھی شاید نظر تمہید ہو اور ہم صحیح معنی میں ان مباحث تک ابھی نہ پہنچ سکیں جہاں راست مضمون سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ولا ولی ولایت تولا اور تولیت اسی طرح سے مختلف الفاظ خود آپ کے استعمال میں ہیں اور اگر آپ کسی اپنے دینی رسالے کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ لفظ ولا عام طور پر فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے. گفتگو کل یہ تھی کہ راغب اصفہانی نے ولایت کے معنی یہ کیے ہیں کہ کوئی کسی کے قریب اتنا ہو جائے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ مقام ولایت ہے, اتنی نزدیکی ہے. میں کل عرض کر رہا تھا کہ ہم اس وقت جب ولایت پہ گفتگو کریں گے تو نہ قرب مکانی پہ گفتگو کریں گے نہ قرب زمانی پہ گفتگو کریں گے, کہ مکان و زمان کا قرب ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کہ
मकान से कोई करीब हो जाए तो जाहिर है कि अहबाब तो दूर रहते हैं, मालिक से नौकर तो ज्यादा नजदीक रहता है। अहबाब तो दूर बैठते हैं, नौकर तो सामने ही खड़ा हुआ है। अब अगर रागिब के माना मैं ले लूं तो उसके माना ये कि वो उसका वली है, और बिल्कुल उसी तरह जमाने के एतबार से अगर दो आदमी एक ही जमाने में हैं, एक ही जमाने में हैं और एक दूसरे के वली हैं, तो इसलिए यह सही नहीं है कि एक ही जमाने में रहने वाले सबके सब एक सा कुर्बत नहीं रखते। इसलिए कि हसन ज़े बसरा, बिलाल ज़े हबश, सोहैब ज़े रूम, ज़े खाके मक्का, अबू जहल, इनसे बोला जबीस। हसन ज़े बसरा, बिलाल ज़े हबश, सोहैब ज़े रूम, ज़े खाके मक्का, अबू जहल। तो अगर कुर्ब मकानी हो तो अबू जहल की विलायत साबित हो जाए। इसलिए हम कुर्ब मकानी वो जमानी पर लोगवी एतबार से गुफ्तगु नहीं करेंगे कि मकान करीब है इसलिए वली है, जमान करीब है इसलिए वली है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम गुफ्तगू करेंगे कुर्ब मानवी पर, कुर्ब बातिनी पर, कुर्ब हकीकी पर, जहां मकान और जमान का तसव्वुर ही ना आए, बल्कि ये मालूम हो कि मैलानात में, रुझानात में, अवातिफ में कितनी एक रंगी वो एकसानियत है कि एक दूसरे का वली बने। इरशाद फरमा, अर्ज किया हजरत इब्राहिम ने बारगाह रब्बुल इज्जत में के परवरदिगार, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले। रब इन्नहुन अज़लल कसीरम मिनन नास, परवरदिगार बुतों ने बहुत से इंसानों को तबाह कर डाला। फमनित तबानी फहुआ मिन्नी, अब जो मेरी पैरवी करे वो मेरी मिन्नियत में है। और यहाँ 2000 बरस के बाद पैगंबर को हुक्म हो रहा है फत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो ताकि मिन्नियत का मकाम मिले। तो 2000 बरस का फासला विलायत पैगंबर के लिए हारिज नहीं है। मैं इस मंजिल पर थोड़ी सी और तवज्जो चाहूँगा ताकि हम इस कुर्ब मानवी और कुर्ब हकीकी के मफहूम को समझ लें। पहली चीज जो गुफ्तगू में कल से हमको मुसलसल करती है वो ये कि लफ्ज विलायत एक ऐसा जामे लफ्ज है, यह कल भी कह चुका हूं फिर आज तकरार कर रहा हूं, एक ऐसा जामे लफ्ज है कि जात वाजिब ने अपना नाम लिया, अपने रसूल का नाम लिया, साहिबान ईमान का नाम लिया कि इनकी विलायत साबित है, और फिर ये कहा कि जो अल्लाह को, रसूल को, साहिबान ईमान को अपना वली बनाए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल ग़ालिबून, अल्लाह का लश्कर है जो गलबा पाएगा, ये अल्लाह का लश्कर बन गया। जो इत्तेबा करे, जो वली बनाए अल्लाह को, रसूल को और साहिबान ईमान, यानी ये लफ्ज अलाहदा अलाहदा इस्तेमाल नहीं हुआ के जहाँ तकसीम हो जाए कि जो अल्लाह को वली बनाए, रसूल को वली बनाए, साहिबान ईमान को वली बनाए, नहीं, जो वली बनाए एक ही मर्तबा कहा और उसके बाद एक मर्तबा महमूल, तीन हो गए।
यही कल गुफ्तगू थी जो वली बनाए अल्लाह को, रसूल को, साहेब ईमान को। जो अल्लाह को, रसूल को, साहेबान ईमान को वली बनाए, इरशाद हुआ कि वही फलाह पाए हुए हैं और उन्हीं के लिए नजात है। तो इस मंजिल पर पहला इंसान के लिए मकाम गौर फिक्र का यह है कि अल्लाह से रसूल को जो कुर्ब है वो कौन सा कुर्ब है, वो कौन सी नज़दीकी है। कुर्ब मकानी है, कुर्ब ज़मानी है, नहीं, कुर्ब मानवी है। अब आप समझ, कुर्ब हकीकी है, यानी वो नज़दीकी जो मानवियत के एतबार से नज़दीक कर। अब नज़दीकी के माना क्या हुए, ये नज़दीक नहीं की नज़दीकी के माना ये नहीं हुए कि बराबर बैठना, नज़दीकी के माना ये हुए कि मालिक की मर्जी से बंदे की मर्जी इतनी करीब हो, मालिक के इरादे से बंदे का इरादा इतना करीब हो, मालिक के मतलूब से बंदे का मतलूब इतना करीब हो, मालिक के मकसद से बंदे का मकसद इतना करीब हो कि आवाज कुदरत दे मा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते हो मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है, इसको कुर्ब मानवी कहते हैं। इसको कुर्ब मानवी कहते हैं, नजदीकी मानवियत के एतबार से कि ये नजदीक है। बिल्कुल उसी तरह खत्मी मरतबत में और साहेबान ईमान में जो कयामत तक आने वाले हैं, कुर्ब मकानी भी नहीं है, कुर्ब ज़मानी भी नहीं है, बल्कि मोमिन वही है जो मनशाए रसूल को समझे और अपने मनशा को रसूल के मनशा के खिलाफ न जाने दे, मुतजाद न हो जाए, जिद न बन जाए। तो ये कुर्बत कुर्बत मानवी हुई। इस मकाम पर अल्लाह, रसूल और साहिबान ईमान की विलायत का तस्करा किया कि इनमें मानवी एतबार से, बातिनी एतबार से, हकीकी एतबार से, अकली एतबार से कुर्ब है, कुर्ब है, नज़दीकी है, और इस नज़दीकी की वजह से इनको विला हासिल है, विलायत हासिल है। इरशाद हुआ आयत में क्या है, साहिबान ईमान, तुम साहिबान ईमान को छोड़कर काफिरीन को अपना वली न बनाना, यानी तुम्हारे अमियालो अवातिफ और हैं, कुफार के अमियालो अवातिफ और हैं, उनके मैलानात और हैं, उनके रुझानात और हैं, उनके फिक्र के तरीके और हैं, तुम्हारे अफकार और हैं, इसलिए तुम साहिबान ईमान के साथ तो मिलजुल कर रह सकते हो, मगर ये कि तुम अपना दोस्त, अपना हमदर्द, अपना सरपरस्त, अपना निगहबान, अपना गार्डियन कुफार को न बनाओ, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह को तुम्हारे लिए और तुम्हारे खिलाफ एक हुज्जत मिल जाए कि तुमने गलती की। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम्हारा ये इरादा है कि तुम खुदावंद अली आला को ये मौका दो कि वो हुज्जत अपनी तुम्हारे सामने पेश करे कि तुमने तो हमारी मर्जी के खिलाफ काम किया था, तुमने तो हमारी मर्जी के खिलाफ काम किया था, हमारे दुश्मनों से तुमने साजबाज की थी, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। आपको मालूम है किसी मुल्क के रहने वालों के लिए बदतरीन जुर्म, बदतरीन जुर्म चोरी, डाका या और इस किस्म के जराइम में से ये जुर्म बदतरीन नहीं है।
किसी मुल्क के रहने वालों के लिए बदतरीन जुर्म ट्रीजन है, यानी उस मुल्क में रहकर दूसरे दुश्मन मुल्क से साजबाज करना, साजबाज करना, ये बदतरीन जुर्म है, ये बदतरीन क्राइम है किसी शहरी का कि वो किसी मुल्क में रहे और दूसरी ममलिकत के रहने वालों से जो इस मुल्क के दुश्मन हो साजबाज करे। तो जाहिर ज़ाते वाजिब नहीं चाहती है कि जब तुम साहिब ईमान हो तो उन लोगों से साजबाज करो जो न अल्लाह को माने, न रसूल को माने, न किताब को माने, न यौम आखिर को माने। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि साजबाज भी होगा तुम्हारा ईमान भी रहेगा? यानी साजबाज भी रहेगा तुम्हारा ईमान भी रहेगा, ये दो चीजें एक जगह कैसे जमा हों? या तुम साजबाज किए जाओ या ईमान की मंजिल पर आओ। तो इस तरह से जब ये अम्र साबित हो गया तो एक बहस यहां बहुत अहम है और वो ये है कि नबी आलमीन के लिए रहमत होता है, नबी आलमीन के लिए रहमत होता है। और कुरान मजीद में इरशाद हुआ, वमा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्स वाहिदा, पूरी नौ इंसानी नफ्स वाहिद है, पूरी नौ इंसानी नफ्स वाहिद है। तुम्हारी खिलकत तुम्हारी बेसत एक जिस्म की है और नबी रहमतुन लिलआलमीन है। इसके बावजूद रोकना कि उनसे न मिलो, नफ्से वाहिद है नौ इंसानी, इसके बावजूद रोकना कि खबरदार उनके नजदीक न जाओ। सूरह मुमतहना, सूरह मुमतहना कुरान मजीद का 60वां सूरा है, यानी सूरह हश्र उससे पहले है 59वां सूरा, और उसके बाद सूरह सफ उसके बाद है 61वां सूरा, उसके बाद सूरह जुमा है। तो इस सूरह की खसूसियत यह है कि आगाज से लेके अंजाम तक यह तसव्वुर विलायत तक गुफ्तगू करता है यह सूरह मुमतहना। और पहली आयत इस सूरह की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ साहिबान ईमान, मेरे दुश्मन को और तुम्हारे दुश्मन को वली न बनाना। देखिए बहस अब छिड़ गई है और मैं चाहता हूं कि तमहीद मुकम्मल हो जाए। ला तत्तखिज़ू अदु, उस आयत में यह हुआ था कि देखो खबरदार काफिरीन को वली न बनाना। इस सूरह मुमतहना में इरशाद हुआ, खबरदार इनको वली न बनाना कि तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, कि कहीं सबको छोड़ के उनसे मवद्दत करने लगो। ये लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल है सूरह शूरा के बाद दूसरी मर्तबा, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनसे मवद्दत करने लगो जो मेरे दुश्मन है और तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए कि वो तुम्हारे तुम तक अल्लाह की तरफ से जो चीजें आई हैं उसको वो तस्लीम नहीं करते, उसको नहीं मानते। इसलिए खबरदार मेरे और तुम्हारे दुश्मन को, मेरे और तुम्हारे दुश्मन को वली ना बनाना। देखिए बात अधूरी हो जाएगी, इसलिए यहीं एक बात और समझ के चले कि किस मंजिले लुत्फ पर, किस मंजिले लुत्फ पर यह किताब है सूरह मुमतहना की पहली आयत का, कि मुफस्सरीन हैरान है कि जाहिर है कि खुदा का दुश्मन खुदा का क्या बिगाड़ सकता है, मगर बतलाया कि अदुव्वकुम तुम्हारा दुश्मन, तो कितना लुत्फ है, कितनी मेहरबानी है साहिबान ईमान पर कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है।
दुश्मन मेरा दुश्मन है। ये लुत्फ देखिए बंदों पे, ये लुत्फ देखिए, ये करामत देखिए, ये मकरमत देखिए, ये इनायत देखिए, ये रहमत देखिए। के ला तत्तकजु अदुवी व अदुवकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा। खबरदार साहिबान ईमान, मेरे और तुम्हारे दुश्मन को वली ना बनाना। कुरान मजीद में एक और मकाम पर ये इस दुश्मनी के सिलसिले में गुफ्तगू आई है, ज़रा उसको हम एक नज़र देख लें फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सूरह ताहा है। ये अभी मैं 60वें सूरह की पहली आयत पढ़ रहा था, अब मैं वापस जा रहा हूँ 20वें सूरह पर, सूरह ताहा पर। सूरह ताहा की एक अजीब आयत है कि हज़रत मूसा ने एक तवील दुआ की, आप सबको याद है, रब्बी शराहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वज़अल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अक़ीदुद बिही अज़री वश्रिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरन व नस्कुरका कसीरा। अपने भाई के लिए के परवरदिगार मेरे भाई को मेरा साथी बना, मेरे काम में शरीक गर्दान और मेरे बोझ को आसान कर, मेरे सीने को खोल दे। तो इरशाद हुआ लखत ऊती तसुअलका या मूसा, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल। लखत मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, और हम इससे पहले भी एक मर्तबा तुझ पर एहसान कर चुके हैं। मूसा हम इससे पहले भी तुझ पर एक मर्तबा एहसान कर चुके हैं। इस औ हैना इला उम्मे का मायूहा, जबकि हमने तेरी वालिदा ग्रामी की तरफ वही की जो हम वही करना चाहते थे, जो कुछ वही की गई और वही ये थी, वही ये थी, यानी किताब मूसा से। और एक मरतबा इरशाद हुआ के दुआ कबूल, वसी बना देते हैं, वसी बना देते हैं, अकी को वसी बनाते हैं, शरह सदर भी करते हैं, बोझ भी कम करते हैं, जबान की लफ्जिशों को भी खत्म कर देते हैं, जबान की गिरह को भी खोल देते हैं, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, सब कुछ। मगर हमने इससे पहले भी एक एहसान किया है, लकद मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, हमने एक और भी एहसान किया है, और वो ये कि हमने तुम्हारी वालिदा गिरामी की तरह वही की थी और वही ये थी। अनफी फित ताबूत, तेरी मादर गिरामी की तरफ हमने वही की थी। और एक मरतबा बचपन को याद दिलाया कि जब तुम बच्चे थे तो हमने तुम्हारी माँ की तरफ वही की थी कि इस बच्चे को ताबूत में बंद करो। अनफी फित ताबूत वक्फी फिल यम में, और संदूक को दरिया में फेंको, युल्के हिल यम भी साहिल, और दरिया साहिल की तरफ इस संदूक को बहा देगा। याकुज़ुहु उसको पकड़ेगा, अदुवुन ली वो अदुवुन लहू उसको ले लेगा संदूक को, एक ऐसा दुश्मन जो मेरा भी दुश्मन है, मूसा का भी दुश्मन है। आप देख रहे बहुत गौर से सुनिए, कहां कहां कहाँ कहाँ से मैं आपकी फिक्र को खवी कर रहा हूँ। जरा मुलाहिज़ा फरमाइए कि याकुज़ुहु अदुवुन ली वो अदुवुन लहू, कि उस संदूक को साहिल से उठा लेगा एक ऐसा आदमी जो मेरा दुश्मन है और उसका दुश्मन है। यानी अभी नबी नहीं हुए, अभी नहीं नबी नहीं हुए, ये नौमौलूद है, नौ मौलूद है, मगर कमाल कुर्ब मानवीय है कि इस बच्चे का दुश्मन मेरा दुश्मन है। यह बड़े होने की जरूरत नहीं, यह शजर नबूवत है, यहाँ छोटे बड़े सब बराबर है। महफूज करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, जहन में रखने की कोशिश कीजिए जो कुछ कहा जा रहा है। इसलिए
کہ ظاہر ہے کہ آپ نے وقت صرف کیا ہے, آپ اپنا وقت مجھے دے رہے ہیں, آپ کا وقت رائے گاں تو نہیں جا سکتا. کچھ ذرا سی فکر کریں کہ میں یہ کہہ رہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا, سورہ ممتحنہ, لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, میرے اور تمہارے دشمن کو ولی نہ بناؤ. تو یہ کمال لطف الہی دیکھیے کہ تمہارے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کے بچپن کے دور کو یاد دلا کر کہ اس بچے کا دشمن میرا دشمن ہے, یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دوستی اور دشمنی مکان و زمان سے نہیں ہے, معنوی ہے. دیکھیے صاحب, دیکھیے اب ہم جس منزل پر آئے, ایک لفظ اور آگے بڑھ گیا, ایک لفظ اور آگے بڑھ گیا فکر میں, وہ یہ کہ دوستی اور دشمنی مکانی اور زمانی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی ہو اور آپ دشمن ہو, کوئی آپ کے ساتھ ہو آپ دشمن ہو, کوئی آپ سے برائی کرے دشمن ہو, نہیں. دشمنی معنوی جب ہوتی ہے, دشمنی جب معنوی ہوتی ہے تو وہ دشمن جو سب سے بڑا ہے وہ ہزاروں برس پہلے آنے والا, وہ ذریت آدم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, یہ کہتے ہوئے لا تنکن ذریته الا قلیلا, میں پوری آدم کی ذریت کو تباہ کر دوں گا, چند آدمیوں کو بتاؤں گا. تو آپ نے دیکھا یہ دشمنی بھی معنوی ہے, مکانی اور زمانی نہیں ہے. آئیے تو اب پھر واپس آ رہے ہیں اس بحث پر کہ جہاں میں تھوڑی سی توجہ بھی چاہتا ہوں اور ایک اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آج کی اس تقریر میں. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ, خبردار میرے اور تمہارے دشمنوں کو ولی نہ بنانا. ولی نہ, دیکھیے صاف جملہ تھا کہ خبردار اسلام کے دشمن کو ولی نہ بنانا. دیکھو نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ولی نہ بنانا, قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو ولی نہ بنانا, میرے احکام کی مخالفت کرنے والوں کو ولی نہ بنانا, سہارا نہ بنانا, ہمدرد نہ بنانا, سرپرست نہ بنانا, نہیں. ساری برائیوں کو لفظ عدو میں جمع کیا, عدو میں جمع کیا کہ تمہارے دشمن کو اور میرے دشمن کو ولی نہ بناؤ. یہی وہ دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, جو نبی کا دشمن ہے, جو وسیع کا دشمن ہے, جو حق کا دشمن ہے, جو صدق کا دشمن ہے. خبردار ولی نہ بناؤ اور اس سے مودت نہ رکھو. اب آپ نے دیکھا, اب اس سے مودت نہ رکھو جو دشمن ہے میرا, جو دشمن ہے تمہارا, اس سے مودت نہ رکھو. اس حکم کے بعد اگر یہ کہہ دے کہ کسی سے مودت رکھو, مودت رکھو, تو فوراً ثابت ہے کہ وہ جن سے مودت کا حکم ہوگا وہ ولی ہوں گے, عدو نہیں ہوں گے. تو بہرحال اس منزل فکر پر پہنچ کر اب وہ بحث جو چھڑی تھی پھر اس بحث پہ آ جاتے ہیں. اس واسطے کہ یقیناً اجتماعی حافظہ اگر کسی مقام پہ رک جائے تو رک جائے, مگر بولنے والے کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی فکر کے سلسلے کو الجھا دے, اور آپ کبھی جب بیدار ہوں اور کبھی چونکیں
इस नशे तकरीर से तो उस वक्त आपको ये ख्याल आए कि देखिए एक बहस रह गई थी। बहस हम ये करते हुए आए थे कि वमा खल्क़ुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिम वाहिदा, तुम्हारी खिलकत और तुम्हारी बेशक नफ्स वाहिद की है और नबी रहमतुन लिल आलमीन है। और फिर इरशाद होता है फुला को दुश्मन रखो दोस्त ना बनाओ, फुला को दुश्मन रखो दोस्त ना बनाओ और नबी रहमतुन लिल आलमीन है। और फिर यह भी है कि इंसानियत नफ्स वाहिद है, इंसानियत नफ्स वाहिद है, नफ्स वाहिद ही में किसी हिस्से की तरफ इशारा करके कह रहा है कि खबरदार उस हिस्से को दोस्त न बनाना। अब यहां से फिक्र और बुलंद हो, वमा खल्क़ुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम्हारी खिलकत और तुम्हारी बेसत नफ्स वाहिद की है, तुम एक हो। मशरिक में रहो, मगरिब में रहो, शुमाल में रहो, जुनूब में रहो, सारी दुनिया में फैले रहो, नौ इंसानी एक है। मबूस किए जाओगे तो जिस्म वाहिद की तरह मबूस किए जाओगे। यानी देखिए इंसान की एगा नगत के बहस से कि एक इंसान दूसरे इंसान से कितना मुतासिर होता है, ये आयत खुद एक उन्वान बनकर कई तकरीरों के लिए हमको काफ़ी ज़खीरा दे सकती है अगर हम उससे बहस करें कि ये नफ्स वाहिदा क्या है। मगर पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है और इधर इरशाद होता है कि खबरदार देखो इन लोगों को वली ना बनाना, ये तुम्हारे दुश्मन है हमारे दुश्मन है। तो अब ऐसे मौके पर बे अख्तियार दिल चाहता है के एक मसले की तरफ आपको तवज्जो दी जाए और वो ये है कि इंसानियत यकीनन जिसमें वाहिद, इंसानियत यकीनन जिसमें वाहिद। और कमाल लुत्फ़ इलाही ये है, कमाल रहमत इलाही ये है, पैगंबर इस्लाम की आलमीनी रहमत का तकाजा यह है कि जिसमें इंसानी के किस हिस्से में फासिद मादा जमा हो चुका है उसकी निशानदेही कर दे। देखिए बाप से बढ़कर बेटे का और माँ से बढ़कर औलाद के लिए चाहने वाला कोई नहीं है। मगर जब यह पता चला कि इसके हाथ में जहर आ चुका है और डॉक्टरों ने यह तय किया कि बगैर इसके हाथ के कटने के इसकी जान नहीं बच सकती, तो वही चाहने वाला बाप अपने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके मेज पर लिटा देता है और डॉक्टर से ख्वाहिश करता है गिड़गिड़ा के कि खुदा के लिए इसका हाथ काट दीजिए, जान तो बच जाए। इसलिए अगर जिस्म वाहिद में मादा फासिद कहीं जमा हो जाए तो रहमतुल लिल आलमीन को हक है कि ओहद में लड़े, बद्र में लड़े, खैबर में लड़े, खंदक में लड़े। खुदा यानी वो रहमतुल लिल आलमीन है, बाप से ज्यादा रहमत रखने वाला और जाते वाजिब आबाओ उम्महात से ज्यादा शफकत करने वाली नौ इंसानी पर। वो अगर हुक्म दे कि कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, रसूल इनसे इतना लड़ो कि फितना दब जाए। देखिए जिसमें इंसानी की तथहीर की, जिसमें इंसानी को पाक किया,
जगह जगह पे नश्तर लगाए, जगह जगह से मादे फासिद निकाल दिया और कहा कि देखो ये मादे फासिद अगर रहता तो पूरी नौए इंसानी तबाह हो जाती। जिस्म को बचाना है तो खत्मी मर्तबत के लिए तो ये मुमकिन है कि वो नश्तर लगाए, इसलिए कि ऑपरेशन वही कर सकता है जो हकीकत में जानता हो कि जिस्म की साख्त क्या है। ऑपरेशन वही कर सकता है सर्जन जो जानेगा जिस्म की साख क्या है, कहां से किस हिस्से को काटना है। जो जिस्म को न जाने वो ऑपरेशन क्या करेगा। बिल्कुल उसी तरह नौए इंसानी को जो जाने वो जहाद का हुक्म दे और कहे कि हाँ अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे। तो खत्मी मर्तबत अगर बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, 87 गजवात में लड़ रहे हैं या उनका वसी किसी मकाम पे तलवार खेच रहा है तो उसके माने, तो उसके माना ये है कि वो जान रहा है कि मादे फासिद कहाँ है और इस तरह से इस मादे को यहां से हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह रहमत मुतलका का हुक्म यह कि देखो नौ इंसानी में अगर कोई हिस्सा तुम्हारे लिए मुफीद न हो तो उससे मदद न मांगो, उससे मदद न मांगो। कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन किया जाता है, कभी ऐसा होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुद ब खुद मफलूज होकर सूख कर गिर जाता है और उसके मुताल्लिक जमाने में इनकलाबात आते हैं, तमद्दुनों को उलट दिया जाता है, सल्तनतें तबाह कर दी जाती हैं, अजाब इलाही की मुख्तलिफ सूरतें आती हैं और दर्स पे दर्स दिया जाता है, सबक पे सबक दिया जाता है कि देखो नौए इंसानी को दर्स दे रहे हैं। आपको हुक्म मिला कि खबरदार अपने दुश्मन को और अल्लाह के दुश्मन को, बशर्ते के तुम साहिब ईमान हो। साहिब ईमान को यह अख्तियार है कि जो उसका दुश्मन है उसको वो अल्लाह का दुश्मन समझे। साहिब ईमान को यह अख्तियार है कि जो उसका दुश्मन है उसको अल्लाह का दुश्मन समझे। ला तत्तखिज़ु अदुव्वी वा अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा, कि जिससे तुम मवद्दत करने लगो। ये कौन से सूरे की आयत है? पहली सूरह मुमतहना, सूरह मुमतहना कलाम मजीद का 60वां सूरह है, सूरह हश्र के बाद सूरह सबसे पहले। मैंने अभी अर्ज किया कि यह पूरा सूरह गौर के काबिल है, कभी मौका मिले घर की तन्हाई में तो छोटा सा सूरह है, इसको तर्जमे के साथ पढ़िए और खूब समझने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने अजीब मानी पिन्हा हैं। सूरा यहां से शुरू हुआ और जिस आयत पे सूरा खत्म हुआ वो आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ साहिबाने ईमान, ला ततवल्लौ कौमन, खबरदार उस कौम को दोस्त न बनाना। देखिए वहां से शुरू किया दुश्मन को दोस्त न बनाना, अब गुफ्तगु आगे बढ़ गई, ला ततवल्लु कौमन, उस कौम को वली न बनाना। गज़ब अल्लाह अलैहिम, जिस पे अल्लाह का गजब नाजिल हुआ हो, खद यायसु मिन अल-आखिरा कमा यायस अल-कुफार मिन अस्हाबिल कुबूर, यह वो कौम है मगज़ूब जिस पे अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है कि ये आखिरत से इस तरह मायूस हो गई जैसे काफिर साहिबान कब्र से मायूस हो गए। आप देख रहे हैं साहिबान कब्र से जैसे काफिर मायूस हो गए,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ क़ौमन ग़ज़बल्लाहु अलैहिम क़द यायसू मिनल आख़िरा कमा यायसल कुफ़ार मिन अज़ाबिल क़ुबूर। सूरा ख़त्म हो गया। इसमें क्या बात थी कि खबरदार, देखो मग़ज़ूब कौम को वली न बनाना, दोस्त न बनाना, निगहबान न बनाना, अपना हमदर्द न समझना। ये वो लोग हैं कि आखिरत से मायूस हैं। लफ्ज इस्तेमाल हुआ यायसु, आखिरत से मायूस हैं। कैसे? कमा यायस अल कुफार मिन असाबिल कुबूर, जैसे काफिर कब्रों पर से गुजर के ये कहता है कि मिट्टी के ढेर में क्या है, मिट्टी के ढेर में क्या है। तो कब्र से मायूसी, अगरचे वो 10,000 बरस पहले की कब्र हो, 10,000 बरस पहले की कब्र हो, कब्र से मायूसी नहीं, वहां कुछ है, वहां कुछ है। इसलिए इरशाद हुआ सूरह मुमतहना में कि काफिर साहिबान कबूर से मायूस हैं, साहिबान कबूर से मायूस हैं। तो अब अगर कब्रों ही को कोई राउंड डाले, अब कोई कब्रों ही को मिटा डाले कि इसमें कुछ नहीं है, तो ये सूरा तो पुकार रहा है कि वो कौम अल्लाह के गजब में मुब्तला है। कमा या कबूर, जैसे काफिर साहिबान कबूर से मायूस हो गए, साहिबान कबूर से मायूस हो गए, अस्हाबुल कबूर के कब्र में लोग हैं, कब्र में लोग हैं। आप ये समझते हैं कि जिस्म नहीं है। देखिए अब गुफ्तगू और आगे बढ़ गई। आप ये समझते हैं कि उसका कासा सर भी नहीं है, उसकी हड्डियां भी नहीं है, मगर इसके बावजूद इल्म इलाही में है कि इस कब्र में वो अज्जाए असली मौजूद हैं। कि नशर की मंजिल पर जब हम आवाज देंगे तो एक मर्तबा कब्रों से सब आएंगे, कब्रों से सब आएंगे। तो जो मायूस हो जाए, जो मायूस हो जाए असाब कबूर से, खबरदार उनको वली न बनाना, उनको वली न बनाना। तो अब एक अजीब बात यह है कि अगर कब्र का तस्किरा करते हैं तो दुनिया कब्र परस्त कहती है, अगर न करते हैं तो कुरान मजीद तंबीह करता है, तंबीह करता है। क्या नाउमैद हो गए कब्रों से, क्या नाउमैद हो गए कब्रों से। कुरान मजीद की तंबीह ज्यादा तकलीफ दे है। इसलिए दुनिया का ख्याल न कीजिए, ये दुनिया इसी तरह से चीखती चिल्लाती रहेगी, इसको अपने हाल पर छोड़िए। कुरान मजीद ने साफ तौर पर बतला दिया कि सूरह हज एक आयत है, बड़ी तवील आयत, मैं उसको शायद कल पढ़ सकूं, मगर आज अर्ज करूंगा कि इन्नल्लाहा यबअसो। देखिए माँ और मन का फर्क है कवायद के एतबार से। माँ गैर ज़वील उकूल के लिए है, मन ज़वील उकूल के लिए है। इन्नल्लाहा यबअसो मन फिल कुबूर, जो जो कब्रों में है अल्लाह सबको उठाएगा। इन्नल्लाह यबअसो मा फिल कुबूर नहीं है कि मिट्टी को उठाएंगे, हड्डी को उठाएंगे नहीं, मन फिल कुबूर, जिनको कब्रों में रखा गया। तो आपने देखा बेसत के लिए अब वो 10,000 बरस के बाद कयामत आए, ये कब्र है, जो दफन हुआ है वो है। तो इस तरह से अब पता चला कि कुर्बत मकानी वो जमानी जेरे बहस नहीं है। हजारों बरस के बाद भी उठने वाले कब्रों से उठेंगे, अगर नेक होंगे तो नेक उठेंगे, बद होंगे तो बद उठेंगे, अदू होंगे तो अदू उठेंगे, वली होंगे तो वली उठेंगे। नारे हमारी,
मैंने सहमत दी। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी अर्ज किया जाए मुख्तसर से वक्त में उसको महफूज करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि यह पैगाम ऐसा नहीं है कि उसको आप सरसरी तौर पर सुने और सरसरी तौर पर उससे गुजर जाएं। अभी इस मंजिल पर यह बहस हो रही थी कि विलायत वो कुर्बत है, वो नजदीकी है कि जो मानवीयत है। तो विलायत को समझने के लिए उसके जिद पे बहस हुई। विलायत को समझने के लिए उसके जिद पे बहस हुई, यानी दुश्मन इलाही, वो जो वली इलाही है, वो जो दुश्मन इलाही, मानवीयत। तो विलायत को समझने के लिए उसके जिद पे बहस हुई। विलायत को समझने के लिए उसके जिद पे बहस हुई, यानी दुश्मन इलाही, वो जो वली इलाही है, वो जो दुश्मन इलाही। तो अब आपने देखा कि जब एक दूध पीते बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है ये इरशाद हो रहा है उसकी मां से के इसका दुश्मन और मेरा दुश्मन इस बच्चे को उठाएगा, इस बच्चे को उठाएगा। और फिर मूसा, अभी गुफ्तगू मूसा से जारी है, सूरह ताहा, वअल्कैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, मैंने तुझको अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया, तुझे डाल दिया तेरी मां ने संदूक में, संदूक को डाल दिया दरिया में, दरिया ले तला संदूक को साहिल तक, साहिल पर तेरे और मेरे दुश्मन ने उठाया, मगर मेरी मोहब्बत साथ थी, ले तुसना ला आईनी, मेरी निगाहें लगी हुई थी कि मेरा दोस्त कैसे परवान चढ़ता है। तुसना अला आयनी, ये जाते वाजिब के करम को तो देखिए, ले तुसना अला आयनी, ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ो, परवान चढ़ो। अजीब मंजिल, मूसा के लिए इरशाद हुआ, अलकैतु अलैका महब्बतन मिन्नी, मेरी मोहब्बत मैंने तुझ पर डाल दी, मेरी मोहब्बत का मरकज बनाया। मूसा मरकज मोहब्बत बन जाए और मोहम्मद ना हो। ले तुसना अला आईनी, तुझको अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने तुझको हमने परवान चढ़ाया, ताकि तुम दुश्मनों के शर से महफूज। और हां मूसा, अब यह सूरह शोरा वही वाक़या, ये 20वें सूरे से हम एक मरतबा गोया 26वें सूरे पे आए, और यहाँ एक मरतबा इरशाद हुआ कि हम वो वक्त देख रहे थे जब मूसा की वालिदा पर आसारे वज़ हमल तारी हुए, और अब ये तड़पने लगी इसलिए कि अतराफ फिरौन के जासूस खड़े हुए थे, और मुनज्जमीन फिरौन ने कह दिया था कि इस घराने में कोई बच्चा पैदा होगा जो तुझको तेरे लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर देगा, और उधर हुक्म यह हुआ था कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। तो हमने मूसा वो औहैना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मादर मूसा की तरफ, अन इर्ज़ई ही, इस बच्चे को पेट भर के दूध पिला दे, वो इज़ा खिफ्ते अलैहि, और अगर खौफ तारी हो, फल्की ही फिल यम्मे, इस बच्चे को डाल दे दरिया में, वला तकाफी, डरना नहीं, वला तहजनी,
महजून न होना, इन्ना रद्दुहु इलैके, हम वादा करते हैं कि तेरे बच्चे को तुझसे मिला देंगे, वो जाइलुहु मिनल मुरसलीन, और हम इसको मुरसल बनाएंगे। और उसके बाद इरशाद हुआ कि करीब था, बच्चे को दूध पिला के दरिया में फेंका, कादतन तुब्दी बही, बच्चे को फेंकने को तो फेंक दिया, मगर करीब था कि मुंह से एक चीख निकले, एक बुलंद आवाज से फरियाद करे। हमने बढ़ के मादर मूसा के दिल को थामा, मेरी तकरीर खत्म हुई, उम्मे रबाब का भी एक बच्चा है, उम्मे रबाब का भी एक बच्चा है, इससे कोई वादा नहीं है कि उम्मे रबाब हम तेरे बच्चे को पानी पिला के भेजेंगे। मादर मूसा घबराना नहीं, डरना नहीं, इसको पेट भर के दूध पिला दे, दरिया में डाल दे, हम वादा करते हैं कि हम ये बच्चे को दूध से मिला देंगे, मगर अल्लाह रे उम्मे रबाब का कलेजा बच्चे को तो भेज दिया। थोड़ी देर के बाद हुसैन आए और कहा रबाब मेरे साथ साथ आओ। रबाब साथ साथ गई तो एक मकाम पे बैठ के हुसैन ने कब्र खोदी और कहा रबाब ले तेरा बच्चा दफन हो। हमारे हवाले दीन मिल्लत को मुत्तहिद कर, मुमलकत को मुस्तहकम कर, तौजील फरमाओ।